बाधा में कनन माफिया सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का लगा रहे हैं चूना। और तो और, अगर सूत्रों की माने तो स्थानीय प्रशासन भी इस खेल में बराबर का हिस्सेदार है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी आदेशों की अवहेलना का खासा उदाहरण है बांदा का खनन विभाग। गौरतलब है कि बालू खदानों में लगे सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटे महज दिखावे के साथ धोखा और छलावा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और एनजीटी के नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं का जीवंत उदाहरण जनपद की बालू खदानों में औचक निरीक्षण पर कभी भी देखा जा सकता है। अक्सर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खनन माफिया द्वारा दिन रात किया जाता है अवैध खनन। खनन माफियाओं को ना तो प्रशासन का डर है ना ही सरकार का। सरकार को चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भरने में जुटे खनन माफिया। सूत्रों की माने तो अमलोर खंड संख्या 8 में बिना रॉयल्टी के ही हो रहा है बालू खनन एवं परिवहन। अमलोर खंड संख्या 8 के संचालकों ऊंची पहुंच के चलते जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है कोई भी कार्रवाई। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट।